हाय दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल यूट्यूब चैनल शिवा में चिकन पी प्रोडक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन घंटी को दबा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बलिया रेलवे के बारे में सारी अपडेट मिलते रहे। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं न्यू ब्रिज के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और पास में हमारा ब्रिज है जो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि थोड़ा सा और काम बाकी है ब्रिज में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिज हमारा था, जहाँ पे पाए लगाए गए थे, इसको पूरा साफ़ सफाई कर दिया गया है और यहाँ पे मज़दूर भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं बाकी है। यहाँ पे इसको प्लास्टर किया जाएगा और यहाँ पे हमारा ब्रिज का नीचे वाला पाया उसको प्लास्टर कर देंगे तो ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे समझ लीजिए कि यहाँ पे संचालन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा बली रेलवे का 2nd ब्रिज है। वो देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पे मार्बल्स भी लगा दिए गए हैं और इस और इन पेंटिंग भी कर दी गई। थोड़ा मैं बोलने में अटपटा उसके लिए आप सॉरी बोलता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 ही में है और यहाँ पास में उसके भी लिए भी पाया लगाया गया है और पास में देख सकते हैं कि यह हमारा ब्रिज बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा काम बाकी है, बहुत जल्दी इस ब्रिज पे संचालन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ इस ब्रिज पे लिफ्ट भी बहुत जल्दी बनेगा। दोस्तों मैं उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 का भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का दिखा दिया, 302 का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है। यहाँ से भी सीढ़ियाँ बना दी गई ऑलरेडी, ये हमारा ब्रिज बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर भी जाने के लिए बैन लगा हुआ है, अभी जब तक इसका परिचालन किसी उद्घाटन नहीं हो जाता तो इसका परिचालन नहीं होगा। ये भी थोड़ा आधा अधूरा है। और दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पेड़ को काटा गया है और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दीवारें उठाई जाएंगी और यहाँ पे भी बृहद प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा पास में ही 2nd ब्रिज बन गया है और यहाँ पे जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और पास में देख सकते हैं कि हमारा सर्कुलेटिंग एरिया भी है जो बहुत बृहद बन रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आर ओ वाटर कूलर लगा हुआ है जो बंद पड़ा हुआ है, हो सकता है इसको बहुत जल्दी चालू किया जाएगा।